तो सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले एक दो बातें आप ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे आपका अभी 11th का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो एग्ज़ाम हो सकता है अप्रैल बाद ही हो, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे ये नहीं लगता कि अप्रैल में एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। और टाइम बीतने के साथ साथ क्लास 12th की भी तैयारी हमें शुरू करनी है, नहीं तो बाद में उसके लिए टाइम हमें कम पड़ेगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से, इसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस ये क्लास 11th में भी है, 12th में भी है, 12th में थोड़ा सा इसका एडवांस पार्ट है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना ज़रूरी है, जिसमें एक तो आता है रिलेशन। रिलेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप ये तीन चीज़ें जानोगे, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन और होता है रेंज। इसके बाद सबसे पहले आता है कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले आप इसका डेफिनेशन देखिए, रिलेशन क्या होता है। आ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट ए लेंगे, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट हम बी लेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसका एक हम सबसेट आर लेंगे। तो ये आर क्या होता है, सेट ए से सेट बी पे एक रिलेशन। मीन्स आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए आप इसके लिए। मान लीजिए सेट ए है 1, 2, 3, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 4, 5। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसके एलिमेंट्स आएंगे 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। आप अपनी रफ कॉपी पे कहीं पे इसको चेक कर सकते हैं इसको करके। अब देखिए इसमें हमने एक रिलेशन आर लिया, रिलेशन मतलब इसका एक सबसेट लिया। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 5 है ये, यहाँ हमने यहाँ इस वाले 1, 5 को लिया। यहाँ पे 2, 4 है तो 2, 4 हमने यहाँ रख दिया। यहाँ पे 3, 5 है तो यहाँ हमने 3, 5 रख दिया। तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स ए क्रॉस बी से लिए गए हैं, इसलिए आर क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सबसेट होने से क्या हो गया कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसके बाद रिलेशन डिफाइन करने के बाद वही तीन चीज़ें कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन, इसको आप समझिए। देखिए सबसे पहले रिलेशन में या कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ब्रैकेट में दो दो नंबर्स का ऑर्डर पेयर बनाया गया है। ये ऑर्डर पेयर का जैसे 1 है तो ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, ऑर्डर पेयर का ये जो 4 है ये सेकेंड एलिमेंट कहलाता है। साथ ही साथ 4 को कहते हैं 1 की इमेज, मीन्स इमेज ऑफ 1। ऐसे ही 1, 5 है, 5 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 2। तो यहाँ देखिए आर में यही बात कहेंगे, 5 इज इमेज ऑफ 1, 4 इज इमेज ऑफ 2 एंड 5 इज इमेज ऑफ 3। इन्हीं पे हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन आर। मतलब जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स हैं आर में, जो ऑर्डर पेयर्स हैं जैसे 1, 5 है, 2, 4 है, 3, 5, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 और 2, 3 को हम कलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, डोमेन। ऐसे ही रेंज क्या होगा, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन आर। तो सेकेंड एलिमेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 रिपीट है तो एक ही बार लेंगे हम। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, 5, 4। अब बात आती है कोडोमेन की। तो कोडोमेन आपको पता ही है कि जब सेट ए से सेट बी पे होता है, कोई भी रिलेशन सेट ए से सेट बी पे होता है, तो ये जो बाद वाला सेट बी है, ये बाद वाला सेट बी है, ये पूरा का पूरा कहलाता है कोडोमेन। तो कोडोमेन इसमें हो जाएगा पूरा का पूरा सेट बी। अब पे एक एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ध्यान रखना
जैसे रिलेशन ए टू बी होता है वैसे ए टू ए होता है, और इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। ए टू ए का मतलब रिलेशन आर ऑन सेट ए। आर को कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें देखिए ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, वेयर वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एक्स वाई हमने कहाँ से लिया है, ए से लिया है। अब वाई की वैल्यू अगर एक्स प्लस वन है तो यहाँ इस पे हम वाई की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हम एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, वन से लेकर सिक्स तक। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बाद वाला एक्स प्लस वन है मतलब वाई है, ये भी सिक्स तक ही होना चाहिए, सिक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन रखने पे यहाँ टू आएगा, टू रखने पे थ्री, थ्री रखने पे फोर, फोर रखने पे फाइव, फाइव रखने पे सिक्स। सिक्स नहीं रखेंगे क्योंकि अगर सिक्स रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेवन, इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। तो अब देखते हैं इसका डोमेन क्या है। डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव। ऐसे ही रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन आर, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और पता है कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा बाद वाला सेट। तो यहाँ पे ए टू ए है, यहाँ देखिए ए टू ए, तो बाद वाला सेट भी ए है, इसलिए यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो वैसे तो कई टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, लेकिन मेनली क्लास ट्वेल्थ में आप थ्री टाइप्स के रिलेशंस को आप देखोगे, कौन कौन से हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, और एक होता है ट्रांसटिव। ध्यान रखना तीनों ही रिलेशन सेम सेट से, सेम सेट पे डिफाइन किए जाएंगे, मतलब ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी, इस टाइप से। अब देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव। आ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, ध्यान रखना रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ। मतलब कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने ही इमेज हो, अपने आप से ही रिलेटेड हो। जैसे ए में, जैसे ये स्मॉल ए है, ए का एक एलिमेंट है, तो ए कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है ये आर में बिलोंग करना चाहिए। ध्यान रखना फॉर एवरी जितने भी हैं, कोई छूटना नहीं चाहिए। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए आर ए मतलब ए इज रिलेटेड टू ए। अब नोट देखिए, अगर ए बी आर में है तो क्या कहते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी विथ रिस्पेक्ट टू आर, ए इज रिलेटेड टू बी विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर ए ए आर में है तो ए इज रिलेटेड टू ए विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब एग्जांपल देखिए, लेट ए इक्वल्स टू टू फोर सेवन, आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो ए क्रॉस ए, और इसका एक सबसेट लिखो आप, टू कॉमा टू, टू कॉमा फोर, फोर कॉमा फोर, सेवन कॉमा सेवन। आप ध्यान से देखना इसे, जैसे ए में देखिए टू है तो यहाँ पे देखिए टू कॉमा टू है, यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे फोर कॉमा फोर है, और यहाँ पे सेवन है तो यहाँ पे सेवन कॉमा सेवन है। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मीन्स टू बिलोंग्स टू ए, फोर बिलोंग्स टू ए एंड सेवन बिलोंग्स टू ए, टू टू, फोर फोर एंड सेवन सेवन बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव। अब वही बात एक बार फिर से रिपीट करना है यहाँ पे, आर इज अ रिलेशन ऑन ए इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब कि जब भी हम ए पे रिलेशन की बात करते हैं ऑन ए, इसका मतलब हो गया सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक और आप एग्जांपल देखिए, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आप अब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे सेट ए है यहाँ पे टू थ्री सिक्स। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन ए आर रिफ्लेक्सिव, आपको पता करना है कि इनमें से, हमने चार रिलेशंस डिफाइन किया है कहाँ, ए टू ए पर, इनमें से कौन कौन रिफ्लेक्सिव है। आर वन में है टू टू थ्री थ्री सिक्स सिक्स, आर टू में है टू टू थ्री 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 सिक्स सिक्स थ्री, आर थ्री में टू टू थ्री सिक्स टू सिक्स, आर फोर में ये है। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपनी कॉपी पे आप ये भी एक्सप्लेनेशन देना कि रिलेशन क्यों रिफ्लेक्सिव है और क्यों नहीं है। अगर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो क्यों नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम
नेक्स्ट टाइप का बताएंगे, सिमेट्रिक और ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। धन्यवाद।